निफ्टी में विप्रो और वायदा में एलएनटी इन्फोटेक के नंबर्स पर फोकस है। इसके अलावा बीएमएल में स्ट्रेटेजिक हिस्सा बिक्री पर आईएमजी की जो महत्वपूर्ण बैठक आज 3 बजे होने जा रही है, इस पर भी हमारी नजर है। कल वायदा बाजार में एचडीएफसी एएमसी और एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स के नंबर्स आएंगे। वहीं जोमैटो का आईपीओ कल बंद हो जाएगा, जिसका प्राइस बैंड 72 से 76 रूपये प्रति शेयर तय किया गया है। कल ही के दिन तत्व चिंतन फार्मा का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड इसका 1073 से 1083 रूपये प्रति शेयर तय किया गया है। जस्ट डायल कंपनी के नतीजे तो आएंगे ही, लेकिन साथ ही पूंजी जुटाने को लेकर भी सोच विचार किया जाएगा। गोल्ड बॉन्ड की चौथी किश्त की आखिरी तारीख कल होगी। इशू प्राइस जिसका 4,807 रूपये प्रति ग्राम तय किया गया है। एमएनएम फाइनेंस, सागर सीमेंट, वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। शनिवार के दिन यानी 17 जुलाई निफ्टी में एचडीएफसी बैंक नतीजे जारी करता हुआ दिखेगा, और रविवार के दिन कैश की एक कंपनी मंगलम सीमेंट के नंबर्स आते हुए हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि एमटीएनएल का जो एसेट सेल है, उसका पहला चरण जो है उसमें काफी हद तक तेजी लाई जाएगी, और वसई हिल, मुंबई, मुलुंड, यहाँ सिंफोली में करीब 36 एकड़ के जो लैंड है उसको बेचा जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट एमटीएनएल पे देखने मिला, जहाँ पे भरपूर तेजी, और एमएसटीसी पे भी इसका इम्पैक्ट देखने मिला। जुबिलेंट फार्मोवा, खबर यह है कि यूएस एफडीए से इस कंपनी को रुड़की की यूनिट के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है, तो उसके चलते स्टॉक में आज दबाव भी देखने मिल रहा है। कुछ नंबर्स आए हैं जिसमें एबी मनी मुनाफा जो है 3.7 करोड़ से बढ़कर 5.6 करोड़ पे आया है। क्यू एन क्यू नंबर्स बता रहा हूं मैं आपको, आय जो है 49 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ के आसपास आई है। ऑनबोर्ड टेक्नोलॉजी एक छोटा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू देखिए 66 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ के आसपास आई है। एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने 1.9 करोड़ का लॉस किया है, पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था। हालांकि कंपनी को 9.9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कंपनी का जो अदर इनकम है 2 करोड़ से बढ़ के सीधे 15.5 करोड़ के आसपास आया है। आरबीएल बैंक ऑलमोस्ट मार्केट खुलते से ही ये खबर आई थी कि क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए वीजा के साथ इस कंपनी ने करार किया है, 8 से 10 हफ्तों में क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती है ये कंपनी। सेल यहाँ पे खबर ये आई है कि राकेश झुंझुनवाला ने जून क्वार्टर में इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है, करीब करीब 1.39% उनका स्टेक है इस कंपनी में। अब 5.75 करोड़ शेयर जो है वो इनके पोर्टफोलियो में है, तो काफी हद तक इन्होंने सेल में खरीदारी की है। बीएलएस इंटरनेशनल, इस कंपनी के लिए खबर है कि देश भर में डिलीवरी सर्विस के लिए इसने फ्लिपकार्ट के साथ एक करार किया है। चेम्बॉन केमिकल, यहाँ खबर ये है कि हाल ही में इस कंपनी ने एक सब्सिडियरी को स्थापित की थी, और उसको थाईलैंड से फॉरेन बिजनेस लाइसेंस मिला है, यानी कि काम चालू करने के लिए एक लाइसेंस मिल गया है। कोल्टे पाटिल, यहाँ कंपनी ने अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में प्लैनेट स्मार्ट सिटी के साथ 15,000 यूनिट बनाने के लिए करार किया है। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है, उसमें धनी सर्विसेज में 10 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है, ईआईएस लिमिटेड में करीब 26 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं।